लगन दी घटनावां जो लगातार हो रही हैं। तकरीबन कल जो आदरा मान दे अग लगी और उस तो बाद लखां रुपए का नुकसान है, तूड़ी दे कुप मच गए, कणक का भी नुकसान होया, पर उस तो बाद दरिया वाले बिले दे विच एक बार फिर अग लग चुकी है। दरबाग कहिंदी जी जो उत्थे मौके ते मौजूद सी इन्होंने उपराला किया, अग मजाई काफ़ी, तो ट्रैक्टर भी उत्थे पहुँच साढ़े नाल ने। फिर जी कुछ पता लग्या क्या किदां लगी सी? असीं इस टाइम दरिया वाले बिल्लियां दे विच खड़े हाँ जिथे एक बहुत ही मंदभागी घटना वापरी आ। किसी कारण कणक के खड़े नार नूं अग लग गई, जिस दे विच 40 दे करीब 40 किल्लियां दे करीब कणक का नार उस दी लपेट विच आ चुका। तकरीबन उस दे नाल ही 10 तों 12 किले कणक जिहड़ी खरी फसल कणक की फसल खड़ी सीगी, पर पिंडां दे लोकां ने मंड दे लोकां ने बहुत जद्दोजहद दे नाल तकरीबन 40 तों 45 ट्रैक्टर लै के इत्थों दे नौजवानां ने बड़ी जद्दोजहद दे नाल उस अग दे कंट्रोल पाया ते उह जो खरी कणक की फसल सी उस नूं बचा लिया। किन्नी कु कणक जो कह सकदे कि अग की पेट चढ़ चुकी और नाल किन्ने कु एकड़ जो मच गए उत्थे? जो इस दरिया वाले बिल्लियां दे विच तकरीबन 40 एकड़ के करीब जो नार सीगा तूड़ी उहनां वास्ते किसानां दा खड़ा सी उह अग की लपेट विच आ चुका, पर किसानां दी हिम्मत दे नाल नौजवानां दी हिम्मत दे नाल जो 10 एकड़ कणक 10 तों 12 एकड़ कणक खड़ी सी उस नूं बचा लिया गया। कोई फायर ब्रिगेड दा कोई समर कीता गया, कोई अधिकारी पहुंचे उत्थे? क्योंकि किसानां दे विच इक भारी रोस आ, जिस तरह कल आदरामान दे विच अग लगी प्रशासन नूं मौके ते तलाह दित्ती गई, प्रशासन ने आउण ते उस तों तकरीबन 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आए, जदों कि आदरामान दे विच वी किसानां ने पूरी तरह अग नूं काबू विच कर लिया सी, उस तों बाद विच फायर ब्रिगेड आए, पर किसानां दे विच रोस सी कि जे फायर ब्रिगेड नूं डीकदे रहे ते अग जानी कि बहुत ज्यादा वध जानी सी, जिस दे नाल क्योंकि मंड दा एरिया सी जिस दे विच सैकड़े लोकां दे घर वी खेतां दे विच आ, जानी मानी नुकसान हो सकदा, इस करके लोकां ने जिहड़ा प्रशासन उत्ते विश्वास नहीं जताया, लोकां ने अपने आप अपने बल दे उत्ते ही अग ते कंट्रोल पाया। अज कोई फायर ब्रिगेड दा कोई संपर्क कीता गया, कोई कॉल कीती अज? नहीं, कोई लोकां दे विच रोह ही इन्ना ज्यादा क्योंकि उहनां नाल जिहड़ा राबता पैदा करन दा कोई फायदा ही नहीं आ, क्योंकि नकोदर तों फायर ब्रिगेड आउंदा जदकि मैद इलाके दे विच सैकड़े पिंड आ जिहड़े जिथों नकोदर तों आउंदा 2 तों 2.5 घंटे जां फायर ब्रिगेड ला दिंदा, इन्ने चिर विच अग कुछ दा कुछ कर दिंदी। असीं सरकार तों मंग करदे हां कि जिहड़े फायर ब्रिगेड दी सहूलत आ उह मैदपुर इलाके दे विच चाहीदी आ, क्योंकि मैदपुर इलाके दे नाल बहुत सारे पिंड लगदे, मंड खेतर लगदा, क्योंकि इत्थों दा सिस्टम इदां दा लोक आम तौर ते घरां दे विच बैठे, जे मंड इलाके दे विच किते अग लग जांदी ते लोकां दे घरां नूं अग लगण दा बहुत वड्डा खतरा है। ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਫਾਈਵ ਬ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਫਾਈਵ ਬ੍ਰੇਡ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਆ ਤਰਸਯੋਗ ਆ, ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਿਦਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਚੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਪੈਨਾ ਨਾਲ।